गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ वरुणा शर्मा. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइलम आर्थ्रोपोडा. फाइलम आर्थ्रोपोडा बिलोंग्स टू हायर इनवर्टिब्रेटा ग्रुप. ये हायर इनवर्टिब्रेटा ग्रुप के मेंबर्स हैं और यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो प्रिमिटिव जो हमने लोअर इनवर्टिब्रेटा ग्रुप किया था उससे अब काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं. लगभग जितने भी सिस्टम्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए या बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से प्रॉपर एक सिस्टम अरेंज होना शुरू हो जाता है. तो इस तरीके से जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के वो देखिए क्या हैं. फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जो वर्ड है ये टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज़ आर्थ्रोस एंड पोड्स. आर्थ्रोस मीन्स जॉइंटेड एंड पोड्स मीन्स लेग्स और फीट. मीन्स एनिमल्स दे हैव जॉइंटेड लेग्स. ये इस फाइलम का इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक फीचर है और इसी इम्पॉर्टेंट फीचर के बेस पर इस फाइलम का नाम आर्थ्रोपोडा रखा गया है. इसके जो मेंबर्स हैं फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो मॉस्किटोज, आंट, कॉकरोच, बटरफ्लाई, क्रैब, प्रॉन, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं. आप लोगों ने कभी मक्खी मच्छर कोई भी अगर कभी हाथ के ऊपर आकर बैठ जाए या आंट को चलते हुए कभी देखा है तो आप नोटिस करेंगे कि इनके जो लेग्स हैं वो इस टाइप से छोटे छोटे पार्ट्स के मिले हुए बने हैं और इस टाइप से इनमें जो है जॉइंट्स देखने को मिलेंगे. ये जो जॉइंट्स हैं ये इसका इस फाइलम का रिमार्केबल फीचर है और इसी रिमार्केबल फीचर के बेस पर इस फाइलम का नॉमेनक्लेचर है, दैट इज़ आर्थ्रोपोडा. फाइन. नाउ अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स आर लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम का अगर हम लें तो ये किंगडम एनिमलिया का लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है. ओवरऑल जितने भी एनिमल्स अर्थ के ऊपर हैं उनमें से 70% और मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है वो आर्थ्रोपोड्स की है. तो इनका नंबर सबसे ज़्यादा है इसीलिए ये जो हैं लार्जेस्ट फाइलम है. दे फाउंड एवरीवेयर मीन्स कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स हर जगह मिलते हैं, ये हवा में भी मिलते हैं, ये ज़मीन पर भी मिलेंगे और ये वाटर में यानी एक्वेटिक मीडियम में भी मिलेंगे. एक्वेटिक मीडियम में ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों ही मोड पर अवेलेबल होंगे. इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसे हैं, एनिमल्स ऐसे हैं जो एज पैरासाइट सर्वाइव करते हैं. पैरासाइट, पैरा मीन्स अदर साइट, दे सिचुएटेड एट द अदर साइट फॉर ऑब्टेनिंग द फूड. ये फूड को ऑब्टेन करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसकी बॉडी में अपनी जगह बना लेते हैं और फिर वहाँ से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. और एज पैरासाइट्स दे में बी फाउंड इन एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ दे हैव जॉइंटेड लेग्स. ये ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया था, जॉइंटेड लेग्स है रिमार्केबल फीचर है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फीचर है इस फाइलम का, जिस फीचर के बेस पर इस फाइलम का नॉमेनक्लेचर भी किया गया है. तो इसमें जॉइंटेड लेग्स होंगे, इस टाइप से जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे. सेगमेंटेशन, यहाँ पर सेगमेंटेड बॉडी है. जो होल बॉडी है ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसे बॉडी का जो अपर पार्ट होगा वो हेड रीजन होगा, हेड रीजन के जस्ट जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो थोरेक्स रीजन और थोरेक्स से जो लोअर पार्ट होगा वो पार्ट होगा एब्डोमेन रीजन. तो यहाँ पर बॉडी में सेगमेंटेशन है और ये जो सेगमेंटेशन है ये एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है. एक्सटर्नल सेगमेंटेशन का मतलब है कि बॉडी जो है आउटर सरफेस से तो हमें मार्किंग्स के निशान मिलेंगे, डिवाइडेड होगी, बट उस एक्सटर्नल निशान या सेगमेंटेशन के बेस पर बॉडी के जो अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं इनर साइड पर वो ऑर्गन्स का डिस्ट्रीब्यूशन
जो है वो इस सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता, जैसा कि एनिलिड्स में था। एनिलिड्स में तो सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग बॉडी में ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन भी था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होगा। फाइन, ये जो बॉडी डिवाइड होगी वो थ्री पार्ट्स में होगी। जो एंटीरियर रीजन होगा वो हेड रीजन, मिडल रीजन विल बी थोरैक्स रीजन, एंड लोअर रीजन विल बी एब्डोमेन रीजन। क्लियर? नेक्स्ट, बॉडी इज कवर्ड विद थिक, टफ एंड नॉन लिविंग क्यूटिकल, यानी बॉडी को कवर करने के लिए बॉडी के ऊपर एक हार्ड सरफेस प्रेजेंट है, एंड दैट हार्ड सरफेस इज मेड अप ऑफ काइटिनस क्यूटिकल। काइटिन और क्यूटिकल दोनों ही जो है हार्ड सब्सटेंस होते हैं, और जब दोनों ही हार्ड सब्सटेंस मिल जाएं तो कितना ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस हो जाएगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग। ये जो काइटिनस क्यूटिकल है ये इतना हार्ड है, मैं बता देती हूँ, जैसे कई बार हम अगर सफाई करें या कहीं पर हम देखते हैं कि स्पाइडर है, मकड़ी का केवल कवर दिखाई देगा आपको, उसके अंदर कोई टिश्यू दिखाई नहीं देगा, या आंट है, आंट का केवल कवर है, कॉकरोच है, केवल उसका बॉडी का बाहर का कवर है, अंदर कोई भी टिश्यू उसमें नहीं है। जो अंदर वाले टिश्यू है उनको डिकम्पोजर्स ने, मीन्स बैक्टीरिया फंगस ने, इन्होंने डिकम्पोज कर दिया है, लेकिन आउटर जो ये काइटिनस क्यूटिकल जो प्रेजेंट है ये इतना ज़्यादा हार्ड है कि इसको डिकम्पोजर्स भी अपने स्ट्रॉन्ग एंजाइम से डिसॉल्व नहीं कर पाए। इसी वजह से यहाँ पर बॉडी के ऊपर जो स्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन है, मीन्स ये जो बॉडी है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर से कवर्ड है, और ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर जो बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रहा है, जो बॉडी को एक फॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, एक शेप प्रोवाइड करा रहा है, उसको हम कहेंगे स्केलेटन। और क्योंकि ये बाहर की तरफ है, एक्सो मीन्स आउटसाइड, क्योंकि ये बॉडी की आउटर सरफेस पर है, इसीलिए सच टाइप ऑफ स्केलेटन इज नोन एज एक्सोस्केलेटन, एंड दिस एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिनस क्यूटिकल, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सब्सटेंस इज इट इज थिक, टफ एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस। क्लियर? नेक्स्ट, यूसिलोमेट, दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूसिलोमेट। यूसिलोमेट मीन्स दे हैव ट्रू सिलोम, इनके अंदर ट्रू सिलोम है, ट्रू बॉडी कैविटी है, एंड एज यू नो बॉडी कैविटी क्या है, इट इज़ द गैप बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का जो गैप होगा उस गैप को कहते हैं बॉडी कैविटी। तो यहाँ पर प्रॉपर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। बॉडी कैविटी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स हैं वो उस बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर बॉडी कैविटी प्रॉपर प्रेजेंट है, और ये जो बॉडी कैविटी है इसी को हम कहते हैं यूसिलोमेट। यू मीन्स वेल डिफाइंड और एडवांस्ड फॉर्म। फाइन, नाउ दिस इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट फीचर, दैट इज़ हीमोसील। ये बॉडी कैविटी तो है, यूसिलोमेट तो है, बट दे हैव हीमोसील बॉडी कैविटी। हीमो मीन्स ब्लड एंड सील मीन्स कैविटी, यानी इन ऑर्गेनिज्म्स की जो बॉडी कैविटी है उसमें ब्लड प्रेजेंट है। ब्लड यहाँ पर देखिए, जो नेक्स्ट फीचर अभी हम आगे करेंगे, यहाँ पर ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है। ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, ब्लड जो है किसी ट्यूब्स में, यानी आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज में फ्लो नहीं करता। ब्लड जो है बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है, और जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्ट बात करते रहते हैं उस ब्लड के अंदर। तो इसीलिए, क्योंकि जो ब्लड है पूरी कैविटी में फैला हुआ है, इसीलिए इस कैविटी को हम हीमोसील कैविटी भी कहते हैं, मीन्स कैविटी विथ ब्लड। क्लियर? नेक्स्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। यहाँ पर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम कंप्लीट तब कहेंगे जब उसमें टू ओपनिंग्स होंगी, वन फॉर इंजेशन एंड अनदर फॉर इजेशन।
तो इस डाइजेस्टिव ट्रैक में यानी इनकी जो एलिमेंट्री केनाल है उस एलिमेंट्री केनाल में टू ओपनिंग्स होती हैं एंटीरियर एंड पर। एलिमेंट्री केनाल का जो एंटीरियर एंड होगा अपर एंड होगा वहाँ पर होगी ओपनिंग इंजेशन के लिए, और जो पोस्टीरियर और लास्ट एंड होगा वहाँ पर ओपनिंग होगी इजेशन के लिए। इसीलिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ पर कंप्लीट है। एंड एंड कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज स्टोमीडियम दैट इज फोर गट, यानी जो एलिमेंट्री केनाल का अपर पार्ट होगा उसको फोर गट और स्टोमीडियम कहेंगे। नेक्स्ट इज मिजेंट्रॉन, मिजेंट्रॉन इज द मिड गट पार्ट, ये मिडल पार्ट होगा। एंड प्रोक्टोडियम इज द हिंडगट पार्ट, ये लास्ट पार्ट होगा। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्री केनाल है वो एलिमेंट्री केनाल एक तो कंप्लीट है, दूसरा वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज फॉरगट मिडगट एंड हिंडगट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ऑलरेडी अभी हमने पीछे कैविटी के साथ डिस्कस भी किया था कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप, देयर इज नो ब्लड वेसल्स फॉर ब्लड सर्कुलेशन, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए, एंड ब्लड इज प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी। सच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन। क्लियर। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अवेलेबल हियर बट अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ सर्वाइविंग, जैसा भी उनका मोड ऑफ सर्वाइविंग है हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर फाउंड एवरीवेयर, तो ये ज़मीन पर भी हैं, हवा में भी हैं, ये पानी के अंदर भी मिलेंगे। तो अगर हवा और ज़मीन पे तो एक ही ऑर्गन काम करेगा, लेकिन पानी के अंदर जो ऑर्गन्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स के अंदर गिल्स और बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर रेस्पिरेशन, एंड टेरेस्ट्रियल अगर ऑर्गेनिज्म्स हैं तो उनके अंदर बुक लंग्स और ट्रैकी प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकी तो बड़ा ही कॉमन मोड है जिसको जनरली कॉकरोच के अंदर भी स्टडी किया जाता है। यहाँ पर बॉडी की जो वेंट्रल सरफेस है उसमें स्किन के साथ साथ जो बॉडी के मार्जिन्स होंगे, अगर हम कॉकरोच का डायग्राम बनाते हैं तो इस तरीके से ये जो यहाँ पर मार्जिन्स होंगे, ये जो सरफेस होगी, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स को कहते हैं स्पायरिकल्स। ये जो स्पायरिकल्स हैं ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट एयर को ट्रैप करते हैं, और बॉडी के अंदर पतले पतले ट्यूब्स होते हैं, उन ट्यूब्स को कहते हैं ट्रैकिया, एंड ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ट्रैक्योल्स। तो ट्रैकिया प्रेजेंट है और आगे फिर ट्रैक्योल्स होंगे, डिवीजन करके बाद जब और फाइन ट्यूब्स हो जाएंगे तो वो जो एयर है वो स्पायरिकल्स के थ्रू एंटर करेगी ट्रैकिया में, फिर ट्रैकियोल्स में, और इस तरीके से पूरी बॉडी में जो नेटवर्क फैला हुआ है ट्रैकिया और ट्रैकियोल का, उसमें एयर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू कर देगी, फैल जाएगी, और उस तरीके से वहाँ से टिश्यूज एब्जॉर्ब करते हैं एयर को। तो यहाँ पर ट्रैकियरी सिस्टम जो टेरेस्ट्रियल मोड है उनमें मोस्टली ट्रैकियरी सिस्टम अवेलेबल होता है फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज दैट सिस्टम विच इज़ यूज फॉर द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। बॉडी का जितना भी नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए इन ऑर्गेनिज्म्स में स्पेसिफिकली कुछ ऑर्गन्स एसोसिएटेड हैं, और वो ऑर्गन्स हैं ग्रीन ग्लैंड्स, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स और कैकोक्सल ग्लैंड्स। इन ऑर्गन्स के थ्रू यहाँ पर रेस्पिरेटरी मटेरियल जितना भी है वो रिमूव होगा। साथ साथ हमने पिछले कुछ फाइलम्स में पढ़ा भी था कि जो ऑर्गन एक्सक्रीशन के लिए यूज़ हो रहा है वही ऑर्गन जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन के लिए भी यूज़ हो रहा है। ऑस्मोरेगुलेशन मींस इट इज़ द आयोनिक मेंटेनेंस और बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल इनसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर वाटर मिनरल का जो बैलेंस मेंटेन करना है दैट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन। तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे वो एक्सक्रीशन का काम भी करेंगे और वो ऑस्मोरेगुलेशन भी करेंगे। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज़ एनिलिडियन टाइप, यानी इन ऑर्गेनिज्म्स में जो नर्वस सिस्टम है वो एनिलिडियन टाइप है,
एनिलिडियन टाइप मीन्स जैसा एनिलिडा में था बिल्कुल वैसा ही सिस्टम यहाँ पर भी प्रेजेंट है. मीन्स नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ए नर्व रिंग एंड अ सॉलिड डबल मिडवेंट्रल कॉर्ड. ठीक है, यानी बॉडी के बिल्कुल मिडवेंट्रल पार्ट पर जो है कॉर्ड प्रेजेंट होगी और वो भी गैंग्लियोनेटेड कॉर्ड. गैंग्लियाज जो होते हैं वो नर्व सेल्स के एग्रीगेशन पॉइंट होते हैं. नर्व सेल्स जो है कई सारी नर्व सेल्स एक साथ मिलके जो एग्रीगेशन बना लेती हैं उसको गैंग्लिया कहते हैं. और गैंग्लिया किस लिए यूज़ होते हैं कि जब एनिमल चल रहा है इधर उधर भाग रहा है दौड़ रहा है तो उस कंडीशन में क्या है कि नर्व कॉर्ड को जगह जगह सपोर्ट मिल जाए. उस सपोर्ट के लिए गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए जो नर्व कॉर्ड है वो गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड है. तो बिल्कुल यही सेम सिस्टम एनिलीड्स में प्रेजेंट था और यही सेम सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है. इसीलिए नर्वस सिस्टम इज़ एनिलीडियन टाइप. फाइन. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं एंटीनी, आइज एंड स्टैटोसिस्ट. एंटीनी आपने देखा होगा कि कोई भी चींटी है, चींटा है, आंट वगैरह, कोई भी दूसरा कोई अगर हम ले कोई मॉस्किटो है उनमें या बहुत सारे दूसरे इंसेक्ट्स को कई बार हम सर्ट मतलब देखते हैं ऐसे ज़मीन पे चलते हुए, तो आपने देखा होगा कि जो हेड रीजन है उसके आगे से आउटग्रोथ निकली हुई होती हैं. वो जो आउटग्रोथ होती है उनको हम एंटीना कहते हैं. ये जो एंटीना है इनका काम क्या होता है कि पहले क्योंकि बॉडी के काफ़ी आगे तक वो चले जाते हैं एंटीना, तो आगे का जो सराउंडिंग मीडियम है उसका अंदाज़ा उनको लग जाता है कि आगे कोई डेंजर तो नहीं है, आगे जाना है या नहीं जाना है. तो इस एंटीना से उनको आइडिया लग जाता है, स्टिमुलस वो रिसीव कर लेते हैं कि आगे हमारे लिए कम्फर्टेबल जोन है, फेवरेबल प्लेस है या नहीं है. अगर नहीं है तो पीछे हट जाएंगे और अगर फेवरेबल प्लेस है तो वो आगे बढ़ जाएंगे. फाइन, ये तो हो गया एंटीना. सेकंड आइज. आइज जो है फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जनरली लाइट को रिसीव करते हैं एंड आइज के हेल्प से ऑर्गेनिज्म्स जो हैं वो देखने में काम आते हैं. तो यहाँ पर जो आइज हैं वो कंपाउंड आइज हैं. कंपाउंड आइज का मतलब क्या है कि इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में जब आई लेंस फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो आई लेंस फॉर्मेशन इकट्ठा ना होकर छोटे छोटे टुकड़ों में रह गया. वो यानी आई लेंस मटेरियल बॉडी में बना, वो अरेंज भी हुआ बट वो सारा मटेरियल जुड़ा नहीं और छोटे छोटे टुकड़ों में रह गया. उन टुकड़ों को मसल्स ने कवर कर लिया और तब वो जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बन गए और उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं ओमेटीडिया. तो एक आई के अंदर बहुत सारे ओमेटीडिया होते हैं. मीन्स लेंस का टुकड़ा मसल्स में दबा हुआ है, ऐसे आप मान सकते हैं. अब लेंस है तो उसके ऊपर इमेजेस बनेंगे. वो जो इमेजेस बनते हैं जितने लेंस के टुकड़े होंगे उतने इमेजेस बनेंगे. तो यहाँ पर इंसेक्ट्स में एक इमेज नहीं बनती, एक से ज़्यादा इमेज बन जाती हैं. लेकिन थोड़ा सा ये है कि क्योंकि प्रिमिटिव टाइप का लेंस है तो ब्लर्ड इमेज बनती है, क्लियर इमेज नहीं बनती. बट वो इमेज इतनी तो बन जाती है कि इजीली ये इंसेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आगे जो है हमारा कोई प्रेडेटर है या डेंजर जोन है, कंफर्टेबल जोन है, जैसा भी है उसका अंदाज़ा इनको लग जाता है. और इस टाइप का जो विज़न है एक साथ बहुत सारी पिक्चर्स बनना उसको हम कहते हैं मोज़ेक विज़न. ये भी इस फाइलम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. नेक्स्ट स्टैटोसिस्ट. स्टैटोसिस्ट भी यहाँ पर है, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट हैं. और जितने भी स्टैटोसिस्ट यहाँ पर जो सेंस ऑर्गन प्रेजेंट हैं वो बॉडी बैलेंस मेंटेन करने के लिए हैं. इनका काम होता है बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना. नेक्स्ट, देयर इज नो सीलिया ऑन इन बॉडी और ऑन द बॉडी. यहाँ पर सीलिया कम्प्लीटली एब्सेंट है, सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते. एंड दिस इज़ ऑल्सो द रिमार्केबल फीचर. यानी ये पहला ऐसा फाइलम अभी तक आया है जिसमें लार्वल, एम्ब्रियो या एडल्ट फेज में बॉडी के बाहर या अंदर कहीं पर भी सीलिया प्रेजेंट नहीं है. मीन्स कम्प्लीट एब्सेंस ऑफ सीलिया. मसल्स, यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट हैं एंड स्ट्रिप्ड अनस्ट्रिप्ड दोनों ही टाइप के मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं. जो स्ट्रिप्ड मसल्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं रैपिड एक्शन के लिए, फास्ट एक्शन के लिए, फास्ट मूवमेंट्स के लिए. और जहाँ पर बॉडी
का जो है अपना नॉर्मल अरेंजमेंट है, नॉर्मल अटैचमेंट है, नॉर्मल फंक्शंस हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, वहाँ पर अनस्ट्रिप्ड मसल्स प्रेजेंट हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और जैसा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन होता है हॉर्मोन्स सिक्रीट करना, तो ये भी हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं। यहाँ पर जो हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं वो हॉर्मोन्स जो हैं बॉडी के डेवलपमेंट में भी यूज़ होते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर एक खास हॉर्मोन, एक खास टाइप के हॉर्मोन्स बनते हैं इनकी बॉडी में, उनको हम कहते हैं फेरोमोन्स। ये जो फेरोमोन्स हैं ये एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं कि एयर में रिलीज होते ही हवा में फैल जाते हैं, और हवा में फैलने के बाद इन, लेकिन रिसीव करेगा कौन, इन्हीं का कोई दूसरा पार्टनर, यानी आंट है तो आंट के फेरोमोन्स कोई दूसरा आंट ही रिसीव करेगा, फाइन। तो इस तरीके से क्या होगा, फेरोमोन्स जैसे इनकी बॉडी से रिलीज होंगे आसपास की हवा में फैल जाएंगे, और जो पीछे आने वाली दूसरी आंट है वो उसको रिसीव कर लेगी, या आसपास कोई दूसरी आंट है वो उसको रिसीव कर लेगी, और रिसीव करते ही इनके बीच में कम्युनिकेशन डेवलप हो जाता है। मीन्स फेरोमोन्स जो प्रेजेंट हैं वो किसके लिए प्रेजेंट हैं, फॉर कम्युनिकेशन पर्पस एंड फॉर सेक्स अट्रैक्शन। ये सेक्स अट्रैक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं, इसीलिए सेक्स अट्रैक्टेंट का काम करते हैं ये, यानी फॉर कॉपुलेशन के लिए मेल या फीमेल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं इन फेरोमोन्स से। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि चींटी की लाइन चली जा रही है, एक चींटी के पीछे पीछे दूसरी चींटी आ रही है, और बिना कहीं अटके बिना कहीं भटके वो सीधा चलते जा रहे हैं एक दूसरे के पीछे पीछे, किसकी वजह से, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फेरोमोन्स। कम्युनिकेशन मेंटेन है, आप वहाँ पर एक बार अच्छे से हाथ ऐसे वहाँ पर कर दो, किसी चीज़ से वहाँ से टच कर दो, फेरोमोन का गैप आ जाए तो वो पीछे वाली जो है थोड़ी भटकना शुरू हो जाएंगी, फिर बाद में कम्युनिकेशन मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर दोबारा उनको टाइम लगता है उस कम्युनिकेशन को मेंटेन करने में, क्लियर। तो फेरोमोन्स प्रेजेंट हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस एंड एज सेक्स अट्रैक्टेंट, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, सेक्सेस। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी यहाँ पर सेपरेट सेक्सेस हैं, मेल एंड फीमेल बॉडी आर सेपरेट, दोनों बॉडी सेपरेट हैं, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन्स नहीं हैं, मेल बॉडी अलग होगी और फीमेल बॉडी अलग होगी। जब बॉडीज़ अलग हैं तो हम उनको पहचानेंगे भी, पहचानने के लिए कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन फीचर्स भी होंगे कि ये मेल बॉडी है और ये फीमेल बॉडी है। तो यहाँ पर यूनिसेक्सुअल तो ये है ही, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जहाँ पर मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है उनको हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म्स में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल एंड सच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तब तो कोई लार्वल फॉर्म होगी ही नहीं, लेकिन अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पर कोई ना कोई लार्वल फॉर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल जोया, मेटाजोया, नॉपिलस, बहुत सारी लार्वल फॉर्म्स हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हैं तो लार्वल फॉर्म्स भी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्वल फॉर्म्स हैं। इसके अलावा जैसे ऑलरेडी आपने छोटी क्लासेस में सिल्क वर्म की साइकिल पढ़ी होगी, लाइफ साइकिल, हाउस फ्लाई की लाइफ साइकिल हम पढ़ते हैं, तो उसमें कैटरपिलर, प्यूपा, ये सब स्टेजेज़ आती हैं। तो वो स्टेजेज़ हैं, लार्वल जो फॉर्म है उसकी स्टेजेज़ होती हैं, कैटरपिलर स्टेज और प्यूपा स्टेज। पेरेंटल केयर इज सीन, रिमार्केबल फीचर, यहाँ पर पेरेंटल केयर जो है शुरू हो जाती है। वैसे तो बहुत अच्छे से तो मैमल्स में यहाँ डेवलप है, लेकिन इनमें भी पेरेंटल केयर है, यानी जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की थोड़ी सी उनकी परवरिश करते हैं। तो इसमें जो फीमेल इंसेक्ट है वो एग लेइंग बहुत सोच समझ के करती है कि कहाँ करना है,
मीन्स ऐसी जगह एग लेइंग करती है जहाँ से उसको फूड भी मिलता रहे एग्स को और उनको प्रोटेक्शन भी मिले। जैसे कई बार देखा होगा कि फ्लावर्स में घूमते रहते हैं ये बड़े साइज़ के फ्लावर्स में, तो फ्लावर्स में क्या है वहाँ छुपा के अपने अंडे इंसेक्ट दे देते हैं और उनसे क्या होता है जो वहाँ पे नेक्टर है वहाँ से नरिशमेंट भी मिल रहा है, साथ साथ रहने की जगह शेल्टर भी मिल रहा है और प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। इस टाइप से ये कोशिश करते हैं अपने एग्स को केयर करने की, इसलिए स्मॉल लेवल पर यहाँ पर पेरेंटल केयर प्रेजेंट है। पार्थिनोजेनेसिस इट इज़ अनदर एन इम्पॉर्टेंट फीचर। पार्थिनोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड और डेवलपमेंट ऑफ ए नॉट क्लियरली कह सकते हम चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर ओवा जो डायरेक्ट जो है किसी इंडिविजुअल में डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट फिनोमिना इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। तो यहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस भी सीन है और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो ड्रोन्स हैं, जो अगर हम लें हनी बी में जो मेल्स होते हैं ड्रोन्स वो पार्थिनोजेनेटिकली ही डेवलप होते हैं, यानी जो ओवा हैं वो डायरेक्ट बिना फर्टिलाइजेशन के ही वो मेल बॉडी में चेंज हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तब उनको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो यहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस भी सीन है। एग्जाम्पल्स अगर हम इस फाइलम के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो भी कीड़े हैं आप उनमें से किसी का भी नाम आप ले सकते हैं, फिर भी क्रैब भी हैं, स्पाइडर है, आंट है, प्रॉन है, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, मॉथ, हाउस फ्लाई और भी बहुत टाइप के इंसेक्ट्स हैं। किसी का भी नाम अगर आपको आता है तो वो एग्जांपल्स में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दीज वर ऑल अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट प्लीज़।